हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो चीजों से बिल्कुल आसान मिठाई जिसको बनाना बिल्कुल इजी है लेकिन खाने में एकदम रस भरी रसीली मिठाई ये लगती है। देखकर आपको ऐसे लगेगा जैसे कि गुलाब जामुन है, क्योंकि एकदम गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट बनेगी लेकिन बहुत ही रसीली, और गुलाब जामुन से बिल्कुल डिफरेंट मिठाई है ये। आप इसको किसी भी त्योहारों के लिए बना सकते हो, अगर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है ना तो भी झटपट रेडी कर सकते हो। अचानक से अगर घर में मेहमान आ जाते हैं, कोई मिठाई नहीं है, तो इसे जल्दी से रेडी कर सकते हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसे जरूर घर पर ट्राई करें। रेसिपी जरा सी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पे क्लिक करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर बर्तन में एक कप लेंगे चीनी। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि एक कप चीनी में एक कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसका टेस्ट मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है। दो चुटकी डालेंगे इसमें हम ऑरेंज रेड फूड कलर, जिससे मिठाई का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। मिक्स करेंगे तो इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये चाशनी को हमने 5 मिनट मीडियम आंच पर पका लिया है। किस तरीके की चाशनी चाहिए वो आपको बता देते हैं। तो इसमें ना हमें कोई तार नहीं बनाना है। देखिए इस तरीके से बस चिपचिपी होनी चाहिए चाशनी हमारी। तो गैस को बंद कर देंगे, इसे ढककर एक साइड रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। अब एक बर्तन में हम एक कप पानी लेंगे, एक चम्मच डाल देंगे इसमें घी, जिससे मिठाई का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। पानी में उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे। ये हमने 1/2 कप सूजी ली है, इसे हम इसमें डाल देंगे। तो सूजी हमने बारीक वाली ली है, अगर मोटे वाली सूजी है तो मिक्सचर में थोड़ा चला लीजिए। तो इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाना है। और देखिए हमने यहाँ पे 1/2 कप सूजी ली है तो उसका दुगना यानी कि 1 कप पानी लिया है। तो बस इस क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, चाहे किसी भी बर्तन से आप लें, और चाहे तो आप पानी की जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लेना आपको सेम क्वांटिटी में ही है। तो थोड़ी देर हमने इसको पका लिया है। ये देखिए इसने बिल्कुल बर्तन को छोड़ दिया है सूजी ने, और एकदम डो की तरह ये हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। पानी एकदम अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है तो बस गैस को बंद कर देंगे। तो इस सूजी के मिक्सचर को हम एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको हम ढक देंगे और 4 से 5 मिनट इसी तरीके से रहने देंगे ढककर, जिससे कि जो सूजी है ना हमारी वो ऊपर से ड्राई नहीं होगी। तो 5 मिनट हमने इसे रेस्ट पे रख दिया था। तो अब साफ हाथों से ये सूजी को हम मसल लेंगे। तो देखिए ये सूजी को ना हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म में ही मसलना है। तो इस सूजी को ना हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। तो इस सूजी को हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मसल लिया है, और देखिए एकदम डो की तरह तैयार हो गई है, एकदम प्लेन हो गई है। हाथों में हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है हाथों को चिकना करने के लिए। थोड़ा सा डो लेंगे तो इस तरीके से इसे गोल बनाएंगे। देखिए हथेली की हेल्प से हमें करना है सेंटर से। इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। एकदम प्लेन हमें ये बॉल्स को बनाना है। तो सारे इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो तेल को हमने गर्म कर लिया है, एक एक करके बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे। तो देखिए तेल इतना ही गर्म होना चाहिए, देख सकते हैं इसको डालने पर इस तरीके से बबल्स बन रहे हैं ना। बिल्कुल कम गर्म तेल हमें इसमें नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा खोलता हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर अभी इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, फ्राई होने देंगे थोड़ा। तो थोड़ा फ्राई होने के बाद अब इसे हमें पलटना है और इस तरीके से ही चलाते हुए ही इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई होने में इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ज्यादा फ्राई करने की हमें इसे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सूजी को हम ऑलरेडी पका चुके हैं। तो बस इसको हमने फ्राई कर लिया है, बिल्कुल लाइट हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है इसका। तो बस इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे। अब ये जो चाशनी है हमारी ये हल्की गर्म है, क्योंकि इसको हमने ढक के रखा था, और ये बॉल्स भी हमने गर्मा गर्म ही अभी तेल से निकाले और इसको इसमें डाल देंगे। तो अगर आपके बॉल्स जो है वो ठंडे हो गए हैं पूरी तरीके से तो फिर आप चाशनी को गर्म कर सकते हो, नहीं तो चाशनी को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसको इसमें अच्छे से हमें डिप कर लेना है, ढक देंगे इसको और आधे घंटे के लिए सोक होने देंगे। बीच में एक बार चला भी लेंगे। तो आधा घंटा ये हमने मिठाई को सोक कर लिया है, और ये देखिए सोक होने के बाद कितनी ज्यादा फूल गई है ये मिठाई हमारी। तो आपको दिखाते भी है कितनी ज्यादा सॉफ्ट ये बनी है। ये देखिए है ना एकदम सॉफ्ट, एकदम रसीली, एकदम सॉफ्ट ये मिठाई बनती है, मुंह में जाते ही घुलने वाली मिठाई है ये।
तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो इस मिठाई को आप बहुत ही जल्दी बना सकते हो और बेहद स्वादिष्ट भी बनती है खाने में। तो आपको कट करके भी दिखाते हैं कितनी ज्यादा सॉफ्ट ये बनी है। देखिए है ना एकदम सॉफ्ट। तो बेहद आसान, बेहद रसीली मिठाई बनकर ये हमारी रेडी हुई है। आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी जरा सी पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी कैसी लगी आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटे पर क्लिक करना ना भूलिएगा। आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।